डीएसपी नवा इन ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने कार्रवाई करते हुए हत्याकांड और चोरी मामले में आरोपी तीन लोगों को गिरफ्तार किए जाने का खुलासा किया है। डीएसपी ने बताया कि दो माह पूर्व श्यामबाग के रहने वाले मुकेश यादव हत्याकांड के आरोपी दीपक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महादलित परिवार के मंटू मांझी की पीट पीट कर हत्या करने वाले आरोपी सकल देव कुमार उर्फ सकला मंडल की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि एसआई किरण सोनी और एसआई प्रमोद कुमार ने गश्ती के दौरान अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए जहांगीरपुर घाट किनारे स्थित टाटा मैक्सी से भारी मात्रा में अगवानी पुल का कवर वायर बरामद किया है, जबकि इसके अलावा कोलगामा बगीचा से एक ट्रैक्टर में अगवानी पुल का भी भारी मात्रा में लोहे का अन्य सामान भी बरामद किया गया है। साथ ही डीएसपी ने कहा कि इस दौरान पुलिस टीम ने ट्रैक्टर चालक शाहबाद निवासी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। का तीन उपलब्धियां जो है आज सुल्तानगंज थाना ने प्राप्त किया है। पहला जो उपलब्धि है वो केस नंबर 330-23 जो कि हत्या का केस है, ये 23/6/23 को ये प्रतिवेदित हुआ था, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ये हत्या का केस है, इसमें दीपक कुमार अपने भाई के साथ मिलकर और अपनी भाभी के साथ मिलकर मुकेश यादव को श्यामबाग कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसमें सुल्तानगंज पुलिस ने दीपक कुमार को मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में आज भेजा है। दूसरा जो हत्या केस है वो है 446-23 जो कि एक दिन पहले कल सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मंटू माझी उसको मार पीट के उसकी हत्या कर दी गई है और पानी में गड्ढे में फेंक दिया गया है। कल सुबह सूचना मिली सुल्तानगंज पुलिस को और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुख्य जो अभियुक्त है सकल देव मंडल उसको गिरफ्तार किया गया है और आज उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीसरी जो उपलब्धि है, पुल परियोजना में जो लोहा इस्तेमाल होता था उसकी चोरी की जा रही थी और ये सूचना जो है बहुत दिन से वरीय पुलिस अधीक्षक को मिल रहा था, तो उन्होंने उनके निर्देश पे सुल्तानगंज पुलिस जो है इस उद्भेदन में एक्टिव थी और एक दिन पहले भी जो है छापा मारा गया था सुल्तानगंज पुलिस द्वारा। और इस क्रम में आज जो सुबह का जो गश्ती था उसमें गश्ती में पुवानी किरण सोनी थी और एवं परिक्षवान पुवानी प्रमोद कुमार सशस्त्र बल के साथ आज गश्ती कर रहे थे सुबह के समय, और उसी क्रम में चोरी का जो लोहा है और प्लेट उसके साथ तार भी मिला है उसका रिकवरी किया गया है। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माछीपुर के समीप हुई सड़क हादसे में एक फर्नीचर व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अलीगंज निवासी लखनलाल सिंह के पुत्र बंसीलाल सिंह के रूप में हुई है जो फर्नीचर का व्यवसाय करता था। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि इसकी सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची लोधीपुर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। इसको लेकर परिजन मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि बंसीलाल सिंह अपनी बाइक से गोराडी की ओर जा रहे थे, तभी माछीपुर के समीप वह ट्रक की चपेट में आ गए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना के बाद ट्रक चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने एएनएम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची रही। दरअसल गुरुवार की देर रात प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने गर्भवती महिला सबनम खातून को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां परिजनों ने महिला की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एएनएम से दवा देने की बात कही, लेकिन एएनएम ने मरीज की कोई सुध नहीं ली और जबरन बल प्रयोग करते हुए बच्चे की निकासी करवा दिया जिससे नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नवजात की मौत के बाद परिजन काफी आक्रोशित हो गए और अस्पताल में सही तरीके से इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर लगे आरोपों को लेकर अस्पताल प्रभारी कुंदन भाई पटेल ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, गर्भवती महिला के नवजात शिशु की मौत पेट में ही हो गई थी, फिलहाल परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत करा दिया गया है, साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। घर पर सुताया सिर निकला बच्चा का, बस घीच का बच्चा का, आई लड़कोरी का नीचे फेंक दिया। कौन?
नरसनिया। क्या नाम है उसका, जानते हैं? ना नाम नहीं जानते हैं उसका। मैं नर्स है वो। हाँ, हाँ फेंक दिया नीचे। बस हम बाहर निकले, हम आने लगे, हम जा रहे हैं। कैसा गार्डन हमको बोले नहीं जाइएगा दीदी, से हम करवा देते परसौती। बस हम गए वहाँ पर, लेकर हमको घींच कर लेकर गया। अब बस परसौती को ऊपर धरा, अब पेट का हुमा छुमा छ एकदम ही कर कर कहीं करा पोतिया के मेरा नानी के दम डिट के नहीं। हम तो आकर के पूरी घटना का जांच किए, सारा कागज देखे, उसमें जो है ऑलरेडी जो BHT में मेंशन है कि बच्चा जो है गर्भ में ही मरा हुआ है, जो कि गर्भवती माँ और परिजनों को बता दिया गया है। और सुबह 5:30 बजे जो है मृत बच्चा डिलीवरी हुआ। उसके बाद उन लोगों को लगा कि मतलब मार दिया गया बच्चा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऑलरेडी बता दिया गया। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र हरिनकोल पंचायत के इमाम नगर स्थित झाड़ी से बेहोशी की हालत में महिला को बरामद किया गया है। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गया। सुबह जब गांव की महिला शौच के लिए गई तो उसने अर्धनग्न अवस्था में युवती को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पीड़ित महिला की पहचान इमाम नगर निवासी रूपक कुमार शाह की पत्नी पूजा कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अपने घर से शौच के लिए झाड़ी की तरफ गई थी, लेकिन देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद उसके पति ने उसकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद घटना की जानकारी पीरपैती पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना की सूचना कहलगांव SDPO को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। घटना कहाँ पर हुआ है? घटना तो बोल रहा है कि इधर हुआ था। क्या नहीं, नहीं इधर इस जगह का क्या नाम है? शीतला मैथान। शीतला मैथान कौन है यहाँ पे? किस कौन घायल हुई है? तो बता रही है कि गांव का है। अच्छा। औरत है? औरत है। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं छपरा से आता हूँ। मैं मुझको सबसे पहले डायबिटीज 2021 में डिटेक्ट हुआ था। सबसे पहले मैंने कोई इंग्लिश दवा नहीं ली थी इसकी, और सर का पता चला हमको कि एक पेशेंट इलाज करा के गए हैं, वही बताया कि डॉक्टर साहब बैठते हैं, शुगर का इलाज करते हैं, जो कि ज्वर मूल से ख़त्म करते हो जाता है डायबिटीज। उनसे हम संपर्क में आए, आकर मिले तो बताया सर कि दवा खाइए, धीरे धीरे कंट्रोल होगा, उससे से हम डोज दवा का कम करते जाएंगे। मैंने उनको सर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, धीरे धीरे ब्लड शुगर कंट्रोल होते गया, और आज के डेट में नहीं है, लगभग 1 महीना हो गया दवा कोई भी नहीं चल रहा है। आज मेरा ब्लॉक करने के लिए भी दवा पिला दिए हैं सर। वैसे शुगर जब हुआ था उस समय हमको कॉन्स्टिपेशन गैस वाला प्रॉब्लम बना हुआ था। मेरा नाम मुकेश कुमार, एज 38 साल। पहला बार जब शुगर का पता चला तो फास्टिंग 2 से 13 और PP 330 था, और हम एक डॉक्टर साहब के पास आए केरा और दवा यूज किए। फरवरी में हमारी पता चली थी और दवा बंद है, और आज हमारा जो है शुगर लेवल 125.3 है, और आज हमारी इलाज बहुत सफलतापूर्वक और बहुत विश्वास के साथ हुई है, और हम जो है बहुत संतुष्ट हैं इस इलाज से। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। We'll be right back.
प्रोफेशनल है, मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल, सो यू कैन ट्रस्ट। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित सेंट्रल जेल रोड में मशहूर ब्रांड तनिष्क का शोरूम खोला गया है। टाटा परिवार के सदस्य तनिष्क के नए रिटेल स्टोर का उद्घाटन शुक्रवार को कंपनी के मैनेजर विक्रमजीत मोहलानोविस, चर्चित भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और तिलका मांझी तनिष्क के फ्रेंचाइजी मदन गोपाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान टाइटन कंपनी लिमिटेड तनिष्क के रीजनल बिजनेस मैनेजर विक्रमजीत और तनिष्क स्टोर तिलका मांझी के फ्रेंचाइजी मदन गोपाल ने कहा कि इस स्टोर में खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए फेस्टिवल कलेक्शन समेत कई एक्सक्लूसिव कलेक्शन और लोगों की जरूरत एवं पसंद की गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध है, जिसकी खरीदारी करने पर आकर्षक ऑफर है। इसमें उपहार स्वरूप तनिष्क की ओर से सोने का सिक्का दिया जा रहा है। विक्रमजीत मोहलानोविस ने कहा कि आज भागलपुर में तनिष्क का नया स्टोर शुरू होने पर उन्हें काफी खुशी हो रही है और स्टोर में सभी ग्राहकों को आभूषण की खरीदारी के दौरान बेहतर क्वालिटी एवं सुविधा के साथ अच्छे अनुभव प्रदान करना ही कंपनी का उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्टोर में सोने, हीरे और ब्राइडल आभूषणों के कई शानदार कलेक्शन उपलब्ध हैं। वहीं मदन गोपाल ने कहा कि 25 से 27 अगस्त तक ग्राहक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बर्थडे पार्टी, सालगिरह, रक्षाबंधन या शादी की खास खरीदारी के लिए तनिष्क की वेडिंग ज्वेलरी में कई शानदार डिजाइन उपलब्ध हैं, जो उपभोक्ताओं की अलग अलग जरूरतों और पसंद को पूरा करेंगे। वहीं अक्षरा सिंह ने भी तनिष्क स्टोर के खुलने और यहां मिलने वाली हर तरह की ज्वेलरी कलेक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि अब भागलपुर और आसपास के लोगों को ज्वेलरी खरीदने में बेहतर ब्रांड एवं क्वालिटी का लाभ मिलेगा। आकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और खास करके तनिष्क में आकर और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने ग्रैंड ओपनिंग में मुझे हिस्सा बनाया गया है इस स्टोर का, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य तरीके से इसको सजाया गया है, इसको परोसा गया है हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे भागलपुर वासियों के लिए। भागलपुरी सिल्क आज सुबह ही मुझे गिफ्ट के तौर पर मिला है और वो मैं यहाँ से जाने के बाद पहनने वाली हूँ। मैं अपनी मम्मी के लिए भी शॉपिंग करके जाऊँगी। तनिष्क की ज्वेलरी आप देख सकते हैं, मैं पहनी हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ। भागलपुर के नरगा कोठी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में शुक्रवार को 34वां क्षेत्रीय टेबल टेनिस, शतरंज एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन भागलपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक आनंद कुमार, क्षेत्रीय खेलकूद प्रमुख ब्रह्मदेव प्रसाद, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह और प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक समेत कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान दाता प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण डुकानिया, प्रवासी कार्यकर्ता विनोद कुमार एवं प्रांतीय खेलकूद प्रमुख फणीश्वर नाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, जिसके बाद प्रस्तावना के क्रम में ब्रह्मदेव प्रसाद ने एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि खेलने कूदने का करो संकल्प, क्योंकि स्वस्थ रहने का यही है विकल्प। उन्होंने कहा कि छात्रों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, जबकि मन, कर्म और वचन में समानता ही वास्तविक चरित्र है। साथ ही कहा कि स्वावलंबन, चरित्र निर्माण, आंतरिक प्रसन्नता और राष्ट्रभक्ति की भावना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। खेल प्रतियोगिता में विद्या भारती के 56 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बिहार एवं झारखंड प्रदेश में संचालित विद्या मंदिर के क्षेत्रीय प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्रा बैडमिंटन की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जोधपुर रवाना होंगे, जबकि टेबल टेनिस के लिए प्रयागराज और शतरंज के लिए टीम अरुणाचल प्रदेश जाएंगी। वहीं अपने संबोधन में SSP आनंद कुमार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो पूरी दुनिया में युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने के साथ छात्रों के लिए आदर्श एवं चरित्र निर्माण का संदेश देने वाले थे। SSP ने कहा कि जीवन में सुख त्याग से ही प्राप्त होता है, जिसका उदाहरण भगवान राम, शिव एवं यीशु समेत कई महान विभूति हैं, और मंच का संचालन निर्मालय कुमार ने किया। इस अवसर पर बिहार एवं झारखंड प्रदेश से चयनित प्रतिभागी एवं विद्यालय के सभी आचार्य और छात्र छात्रा मौजूद रहे। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन काम करने वाली बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी राज्य के 16 जिलों में युवा महोत्सव के अंतर्गत मैराथन दौड़, रील मेकिंग प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स जागरूकता का काम कर रही है। इसको लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में रेड रिबन युवा महोत्सव 2023
इसके बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता TMU के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने की। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय समन्वयक सह भागलपुर जिला रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि सर्वप्रथम कॉलेज स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके बाद चयनित छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला है। प्रतियोगिता के दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से मोहनपुर के लिए 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे TMU के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इसके बाद सीनेट सभागार में चयनित प्रतिभागियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से HIV एवं एड्स से बचाव को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने NSS के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा पर हुई है, उसी तरह यहाँ के छात्र छात्रा भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में विजेता और उपविजेता समेत सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज हम यहाँ जुटे हैं, रेड रिबन के तत्वाधान में मैराथन दौड़ हो रही है। हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 100 छात्र आज इसमें भाग ले रहे हैं। आज इनमें भी वही जुनून है, वही उत्साह है, और जिस तरह से हमारे देश ने चांद पर फतह किया है, उसी तरह हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे भी स्टेट लेवल पर अपना झंडा फहराएंगे।